पानी ना डबोंगे, अग विच भी ना तेरे बाल बिंगे होंगे। अपने हाथां उत्ते आप चुक लैंदाई, अपने हाथां उत्ते आप चुक लैंदाई। ना घबरा ना डर इहो गल कहंदाई, ना घबरा ना डर इहो गल कहंदाई। मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहंदाई, मेरा यहोवा मेरे नाल नाल रहंदाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सारिआं नूं मेरे वल्लों जय मसीह दी, परमेश्वर तुहानूं आशीष दे, ओह तुहाडे उत्ते परमेश्वर दा जलाल, परमेश्वर दी प्रेजेंट जिहड़ी आ हमेशा बनी रह सके, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर दे विच बणिआ रहिंदा आ ओह बहुता फल दिंदा आ। बाणी दे विच लिखिआ और असीं जदों परमेश्वर दे वचन नूं देखदे हाँ, वहाँ पर लिखा ऐसे है यूहन्ना की किताब में कि जो मुझ में बना रहता है जिसमें मेरे वचन बने रहते हैं, जो मुझ में बना रहता है जिसमें मेरे वचन बने रहते हैं वो बहुत फल लेकर आता है, वो कभी भी लज्जित या शर्मिंदा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें चलाने वाला परमेश्वर है, हमारी हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। आज मैं चाहता हूँ कि आप वचन के द्वारा परमेश्वर के आशीष पाएँ और परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। जैसे जैसे हम खुदा के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, हर फैसला जो अपना वचन के साथ लेते हैं, परमेश्वर उस फैसले को कभी नकारता नहीं है, परमेश्वर उसको पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, आज की नाइट, आज के डे खुदावंद खुदा आपसे बात करे, परमेश्वर आपसे दिल से बात करे, पवित्र आत्मा के द्वारा बात करे। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ गहरी बातें सीख सकें जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई निराश रहे, कोई परेशान रहे, कोई भी किसी बंधन में रहे। परमेश्वर हमें बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। आज रेडी रहे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं लास्ट तक, क्योंकि आपके घर तक, आपके कानों तक परमेश्वर का वचन पहुँचता है और आप परमेश्वर की आराधना में बढ़ते हैं, परमेश्वर की स्तुति में बढ़ते हैं। आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है खुदा का वचन खुदा है, शब्द परमेश्वर है। इसी के कारण हम आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ गहरी बातें सीखने जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी कहानी बाइबल में से आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद आप सबके लिए मैं स्पेशल प्रे करूँगा यीशु के नाम से। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जब हम मरकुस की किताब को देखते हैं, मरकुस उसका 10 अध्याय देखते हैं बाइबल में से, मरकुस 10 अध्याय जो दो बाइबल में से हम देखते हैं, वहाँ पर कुछ खास बातें लिखी हुई है किसी इंसानों के बारे में जो धन पर भरोसा रखते थे, धनी होना चाहते थे, जब धन के ऊपर भरोसा रखकर अपनी लाइफ को जी रहे थे। बाइबल में लिखा है यहाँ पर मरकुस 10 की जब हम 23 आई से बाइबल में से पढ़ना शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूँ आज का वचन दूसरों तक शेयर करो साथ में, ताकि दूसरे भी आज का वचन सुनकर परमेश्वर से आशीष पा सकें और अपने प्रार्थना में अगुवाई कर सके पवित्र आत्मा उनकी। जल्दी से अपने आप को रेडी करें, क्योंकि आज खास संदेश है शॉर्टकट में जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के नाम से। यहां पर 23 आयत में लिखा है 10:23, मरकुस 10:23, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। बड़े ध्यान से सुनना, और यहां पर लिखा है 24 आयत में चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट में से निकल जाना सहज है। आमेन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि जो धन पर आसरा रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं और जो धनी बनने की बहुत इच्छा रखते हैं, जो बिल्कुल अपने आप को कंगाल कर देते हैं, जो धन बहुत अमीर बनना चाहते हैं, जो अमीर बनकर धन पर भरोसा रखते हैं। जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मगर फिर भी हम परमेश्वर के वचन से जुड़े रहेंगे। धन पर भरोसा रखने का मतलब ये है कि बहुत से लोग जो परमेश्वर से मन हटाकर किसी और चीज़ पर और वस्तु पर अपना भरोसा रखते हैं, बाइबल में लिखा है वो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश। परमेश्वर हमें और आगे बढ़ा सके और परमेश्वर के राज्य की बातें हम सीख सकें, सुन सकें। परमेश्वर का राज्य क्या, कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से ज़्यादा किसी और चीज़ पर डिपेंड है। अगर अपने अपनी फैमिली पर आप डिपेंड है तो भूल जाए, आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप अपने पैसे पर डिपेंड है तो भूल जाए, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। अगर आप अपनी ज़मीन पर, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी शरीर पर भरोसा रख रहे हैं कि मैं इन चीज़ों पर भरोसा रखकर स्वर्ग में चले जा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे साथ जुड़े रहें। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा और चल रहा है, मगर फिर भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के बारे में लिखा है कि कौन लोग शामिल होंगे परमेश्वर के राज्य में। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के अलावा किसी भी चीज़ पर भरोसा रखते हैं, चाहे पैसे, धन दौलत, जमीन जायदाद पर, अपने बेटी बेटे पर और किसी चीज़ पर भी, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके शब्द पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है। हालेलुया। इसीलिए आज अपना मन खोलिए परमेश्वर के लिए, दिल खोलिए ताकि परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकें। हालेलुया। हम धरती पर आकर कितना मर्जी स्ट्रगल कर लें, कितना मर्जी भाग दौड़ कर लें, अगर बाद में हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा हमारी दुनिया में सारा कुछ कमाने का, सब कुछ इकट्ठा करने का, बनाने का। बाइबल में लिखा है अपनी भक्ति, अपना मन परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो, परमेश्वर की सामर्थ के लिए तैयार करो, परमेश्वर के अभिषेक के लिए तैयार करो। इससे पहले कि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, याद रखो कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, वो करनियों में है। जो करनियों में विश्वास रखते हैं, जो चलना सीखते हैं, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ते हैं, उनके लिए है। बाइबल में लिखा है एक सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना बड़ा ही सहज है, मगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना एक धन पर भरोसा रखने वाले पर और धन के अलावा किसी चीज पर, संसारिक चीज पर भरोसा करने वाले पर, परमेश्वर बोलता है कि वो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए याद रख बेटी, हमने परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के भवन में आकर आराधना कर वचन पढ़कर, प्रेयर कर फास्टिंग कर हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इसकी मरकुस जब हम 10 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, देखो यहाँ यीशु ने क्या कहा, वह बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर उसका उधार किसका उधार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
हालेलुया। जो बातें हमारे लिए कठिन है परमेश्वर बोलता है, यीशु ने बोला परमेश्वर से वो सारी बातें हो सकती है। मनुष्य के लिए कठिन है एक सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना, मगर परमेश्वर खुदा के लिए ये बिल्कुल आसान है। अगर परमेश्वर एक सुई के नाके से एक इंसान को निकाल सकता है तो परमेश्वर एक सुई के नाके से ऊंट को भी निकाल सकता है। परमेश्वर एक सुई के नाके से इंसान को भी निकाल सकता है, ऊंट को भी निकाल सकता है, बड़ी बड़ी चीजों को निकाल सकता है, मगर इंसान सोचे वो नहीं कर सकता इस बात को। मैं फिर से आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य पर लेकर आना चाहता हूं। आप सोचते हो कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मैं आज आपको बोलता हूं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वचन पर खड़े रहते हैं, चलते हैं ईमानदारी से, वफादारी से, हर समय परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा, वो हमारे लिए मददगार भेजेगा, उनके लिए परमेश्वर बोलता है कि वो लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। कई लोग बीमार होते हैं ना तो वो क्या सोचते हैं कि मैं तो बीमार हूं, मैं तो स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। कई लोग अंधे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं तो अंधा हूं, परमेश्वर के राज्य में मैं कैसे जा सकता हूं। मैं तो कई लोग गूंगे बोलते हैं, गूंगे कहते हैं कि सोचते हैं अपने मन में, उनको लोग ये वचन सिखाते हैं कि तो तू गूंगा है, तू स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। कई लोग बहरे होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि मैं तो बहरा हूं, मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। मेरी बेटी, मेरे बेटे, बड़े ध्यान से सुन, परमेश्वर ऐसे नहीं। अगर आप लंगड़े हो तो बाइबल में लिखा है आप लंगड़े होके भी परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तब भी परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप लाचार हैं तब भी परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तब भी परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। अगर हमारा एक हाथ है एक नहीं है तब भी परमेश्वर के राज्य में हम जा सकते हैं। हमारे आंखों की रोशनी चली गई है तब भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कानों से नहीं सुन रहा तब भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन के द्वारा अगर आप चल रहे हो, खुदा का वचन आपके अंदर है, तो खुदा का वचन आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, ना कि आपका अविश्वास। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से ज्यादा किसी को लव करता है, किसी पर भरोसा रखता है, किसी पर डिपेंड रहता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, डॉटर सन हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, जो परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज को भी मोहब्बत या प्यार या डिपेंड रहता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं बोलता हूं पहला लव परमेश्वर का, पहला हमारी सोच परमेश्वर की, सारे काम परमेश्वर के, हमारी आराधना परमेश्वर की, हमारी स्टार्टिंग और लास्ट सब कुछ परमेश्वर का। जो परमेश्वर के नाम में सब कुछ शुरू करते हैं परमेश्वर उनको ब्लेस कर आगे बढ़ाता है, परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए भक्ति करें, हम परमेश्वर के राज्य में जाने की कोशिश करें। हालेलुया। इसलिए बहुत ही जरूरी है अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर रखो। यहां पर लिखा है पत्रस ने यीशु को कहा, पत्रस ने 28 आयत में क्या कहा मैं पढ़ूंगा। पत्रस उससे कहने लगा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए शुभ समाचार के लिए घर जा भाई जा बहनों जा माता जा बाल बच्चों को खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। हालेलुया। यीशु ने पत्रस ने कहा यीशु को कि मैंने तो प्रभु तेरे पीछे आकर सब कुछ छोड़ दिया है ना। तो बाइबल में लिखा है यीशु ने क्या कहा कि किसी ने भी शुभ समाचार के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए या यीशु के नाम में अपने बच्चों को, अपने खेतों को, अपनी जमीन को, अपने पैसे को, अपने माल डंगर को, अपने धन को, अपने बच्चों को, अपनी माता को, अपने भाई बहनों को किसी ने नहीं छोड़ा। अगर किसी ने छोड़ा है तो बाइबल में लिखा मैंने उसे 100 गुना बढ़ाया है। हालेलुया। मैंने उसे 100 गुना बरकत दी है। अगर किसी ने भी परमेश्वर के लिए कुछ किया है, परमेश्वर ने उसे 100% 100 गुना बरकत देकर ब्लस किया है। इसीलिए ध्यान से सुनो, आज परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, आपके निकट है,
आपने उसको स्वीकार करना है, रिसीव करना है यीशु के नाम से। अगर किसी ने कुछ भी परमेश्वर के लिए किया हो तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने उसे 100 गुना कर ना लुटाया हो। आमेन। आपका 20 भी परमेश्वर 100 गुना कर लुटा देता है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे ब्लेस करने जा रहा हूं, मैं तुझे आगे बढ़ाने जा रहा हूं, तू इधर उधर की बातें मत सुन, इधर उधर चित मत लगा, खुदा की ओर ध्यान लगा, खुदा तुझे आगे बढ़ाएगा, खुदा पुश करने वाला, खुदा आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, वो धोखा दे देंगे, मगर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मनुष्य के लिए कठिन, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ, सब कुछ जिसके लिए आप सोच रहे हो वो नहीं बदल सकता, वो बदल सकता है। जो आप सोच रहे हो नहीं हो सकता, वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना में लेकर जाना चाहता हूं। मैं जब बोलूं कि अपने प्रार्थना पॉइंट सेंड करो, तो आप अपने अपने प्रार्थना पॉइंट सेंड करना शॉर्टकट में। अगर किसी की टेस्टमनी भी है वो टेस्टमनी भी सेंड करो, मगर उससे पहले आज की प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करो। शेयर का बटन दबाओ ताकि खुदा के लोग और ऑनलाइन होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा सके यीशु के नाम से। आज परमेश्वर गंभीरता से आपको ब्लेस करने जा रहा है, गंभीरता से सुनने जा रहा है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं गंभीरता से, परमेश्वर उनको कभी भी लज्जित या शर्मिंदा नहीं होना देता। जो ईमानदारी से यीशु के नाम पर भरोसा रखकर चलते हैं वो शर्मिंदे नहीं होते, ना ही वो पीछे जाते हैं, परमेश्वर उनको आगे बढ़ाता है, ना ही वो कभी टूटते हैं, ना ही बिखरते हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर उनको आगे लेकर चलता है। मैं चाहता हूँ आज सारे भाई बहनों की अगुवाई पवित्र आत्मा जी करे, होली स्पिरिट करे, यीशु के नाम से करे। हालेलुया। रब अलाबा शुद्रो बोरी खाला बाबा। मुझे पता है आज का वचन आपके लिए आशीषमयी है। मैं ऐसा नहीं कहता धनवान होना पाप है, मगर धनवान आज की नाइट आप हो जाओ यीशु के नाम से। मगर धन पर भरोसा रखना खुदा की तोहीन है, खुदा के नाम की तोहीन है। और अगर आप तो खुदा की तोहीन करते हो तो परमेश्वर के राज्य में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए रेडी हो जाओ, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज जल्दी जल्दी मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर पिछले दिनों में आपकी टेस्टमनी हुई है, आप ब्लेस हुए हैं, आप आज़ाद हुए हैं, आपके जीवन में बड़े काम हुए हैं, या किसी भी प्रॉब्लम से आप बाहर आए हैं जिसके लिए आपने प्रेयर करवाई थी, चाहे आपने अपने मन में सोचा था, आपने लिखा नहीं, मगर फिर भी आपकी वो समस्या जा चुकी है, तो यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही को जरूर सेंड करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले ये बोलता हूँ कि जो जो लोग प्रार्थना सेंड करने जा रहे हैं इस संडे, वो डेफिनेटली आएंगे और खुदा उनको इस संडे भी आकर ब्लेस करेगा यीशु के नाम से। इसलिए रेडी हो वो यीशु के नाम से, अपने जीवन में विश्वास को आगे बढ़ाएं। आज विश्वास आपका आपको हील करेगा, चंगा करेगा, आपके बंधन तोड़ेगा, आपके जीवन में परमेश्वर वो छुटकारा और परमेश्वर आजादी लेकर आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मैं देख रहा कोई मनप्रीत या इस समय परमेश्वर मैंने मनप्रीत नाम दे रहा, और पिछले दिना जो बहुत टेंशन च रही है, बहुत परेशानी च रही है और बोझ रहा, वो आंसू बहारी सी, और मैं देख रहा परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि मैं तेनू लव करदा, परमेश्वर का वचन जड़ा है, मैं तेनू ब्लैस करांगा, मैं तेनू सारे तेरे दुश्मनों तो आज़ाद करांगा, दुश्मनों के मुँह बंद हो जाएंगे और खुदा का आत्मा तेनू चलाएगा, खुदा की सामर्थ तेरे उत्ते ठहरेगी, खुदा तेनू शर्मिंदा नहीं होने देगा, अपनी जड़ी खुदावन खुदा दे अगे प्रार्थना उन्हों होर बधा ताकि परमेश्वर तेनू बरकत दे। अपने अपने प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हैं हुण ताकि मैं थोड़े वास्ते प्रे शुरू कर सकां। थैंक यू जीसस। सरबजीत कौर ले आप प्रार्थना करेंगे यीशु दे नाम दे विच, रब अलाबा शुद्र बोरी खाला बाबा। और दे फैमिली दे लिए प्रार्थना करेंगे, प्यारे खुदावन खुदा मैं तेरा धन्यवाद करते हैं सरबजीत कौर दे लिए परमेश्वर, उसकी फैमिली दे लिए परमेश्वर, वो कित्थे आ कौन आ, तू एक एक उसकी फैमिली दे मैंबर नू जानदा, खुदा दा आत्मा नू छुए, खुदा दा जलाल उत्ते ठहरे, खुदा दा आत्मा उत्ते ठहरे, खुदा दी प्रेजेंट उत्ते ठहरे, सारी वीकनसा कमजोरियां नखामियां रुके हुए काम यीशु दे नाम विच बन पे पिता, आ शैतानी बंधन टुटन, दुष्टात्मा दे बंधन टुटन, दर्द जावे, यीशु दे नाम दे विच हील हो जाए,
हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारिया चिंतावान हट जान, सारिया चिंतावान हट जान, दुष्टात्मा शर्मिंदियां हो जान, उचाइया ते पहुंचन, सब बंधन टुटन, अगे पुछ हो वधन, अगे तेरे नाम की स्तुति करते हुए अगे वध सकन। यीशु जी का नाम लैके मंगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया हालेलुया, ओके थैंक यू जीसस, ओके थैंक यू जीसस। ओके टीथ प्रॉब्लम, प्रार्थना करते हैं। और इतने लिखा है टीथ प्रॉब्लम के लिए, और मैं चाहना कि मैं थोड़े वास्ते प्रेयर करा। सुराज्य प्रे करते हैं टीथ प्रॉब्लम के लिए। परमेश्वर पिता, ऐसे समय तेरी समर्थ उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, ये दंदा की प्रॉब्लम यीशु के नाम के बाहर आए, सारा पेन यीशु के नाम बाहर आए, सारा इन्फेक्शन बाहर आए, तेरी प्रेजेंट उतरे, तेरी समर्थ उतरे, तेरा अभिषेक उतरे, तेरा मसा उतरे। आरा बाला बा शुद्ध रो बोरी खाला बाबा बाबा, उचाइया ते पहुंचन तेरे लोग परमेश्वर, जिन्हों के भी ये प्रॉब्लम है दंदा के, ऐसे समय तेरा आत्मा इन्हों छुए। आरा बाबा बा शुद्ध रू बोरी खाला बाबा, टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड फुल हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम के आमेन। थैंक यू जीसस, ओके थैंक यू जीसस। ओके अंजू बाला, उनके होम लोन के लिए देखो परमेश्वर, सब कुछ जिनके घर नहीं परमेश्वर उनके घर बनाए। हमारे फर्ज है कि हम मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं, आप टेस्ट मनी के साथ ब्लस हो। अरा बला बा शुद्ध रूपो प्रभु, जैसे कैसे भी जबूर 127 में लिखा है तू हमारा घर बनाने वाला यहोवा है। प्रभु अंजू बाला के लिए होम लोन के लिए और उनकी सारी फाइनेंशियली समस्या के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, बिग टेस्ट मनी के साथ ब्लस हो, और आने वाले समय में प्रभु इनका घर बने यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद फॉर दिस प्रेयर। ओके हेवन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु का आत्मा उनको छुए, और मेरे साथ सारे मिलकर जो जो मैं नाम बोलता हूँ नाम को परमेश्वर की सामर्थ में लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हेवन के लिए जिनको तूने ब्लेस कर दिया है, और सारी फिजिकली प्रॉब्लम से बाहर निकाल। रबा बाबा शुद्र बो रिखा लाबा बाबा, तू जिंदा परमेश्वर है, तू हमारा बल, तू हमारा घर है परमेश्वर, तुझे छोड़ कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं। अपनी बेटी को ब्लेस करता जा, कोई भी दुष्ट की आत्मा इनको ना छुए, इनके घर को ना छुए, इनके फैमिली को ना छुए। परमेश्वर तेरा लहू लगे इसी समय, तेरा लहू लगे, तेरा लहू लगे, तेरा लहू लगे, आगे बढ़ती जाए, तेरी सामर्थ्य बढ़ती जाए। ओ रबा बाबा शुद्र बो, तेरा ज्ञान इनको मिले, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरे फरिश्ते, तेरे एंजल्स उतर आए स्वर्गदूतों के द्वारा, अपनी बेटी को ब्लेस करता जा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। शरणजोत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर का काम स्टार्ट करने के लिए। ओके ब्लेस करेंगे परमेश्वर पिता, तू रब लबा शुद्र बो सारे प्रार्थना में रहें। परमेश्वर तूने अपने वचन में लिखा ये कर यहोवा घर ना बनाए तो बनाने वाली मेहनत व्यर्थ है। प्रभु जब जे एक बार फिर से अपने घर को द्वारा से काम शुरू करना जा रहे हैं प्रभु, इसमें कोई भी इबल स्पिरिट बिगन ना पा सके, सब इबल स्पिरिट के बंधन को मैं डांटता हूँ। तेरी कृपा इनके घर में हो और सही सलामत वर्क शुरू हो सके, नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारिया बुरिया नजर मनु बनते हैं ताकि तेरा आत्मा इन्हें अगुवाई करे, यीशु का नाम लेके मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा ने। ओके थैंक यू जीसस। हर नूर के लिए प्रार्थना करते हैं, हर नूर के लिए प्रार्थना करते हैं, हर नूर के लिए
वो बीमार हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, और मैं चाहता हूँ कि इस हरनूर कोई भी है, कहाँ से भी है, उनकी फ़ोटो ज़रूर सेंड करो ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें। और भी परमेश्वर पिता, हरनूर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारी बीमारी उनको छोड़े। अरे बिल बेशुद्रभो, अगर ये बीमारी शैतान की ओर से है, अभी राइट और हील नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसी समय हर नूर चंगी हो जाए यीशु के नाम से। खुदा का बच्चा, खुदा का सामर्थ, खुदा का अभिषेक तुझ पर ठहरे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओके, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यार। ओके, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, मगर फिर भी हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा के वचन के साथ जुड़े रहेंगे। एक वन टेस्ट मनी है जर्नल रबलाबाशुद्रबो। ओके वाओ, परमेश्वर ने इनको एक्सीडेंट से सेव किया, जर्नल सिंह। और जर्नल जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, और खुदा की भवन में आकर जरूर टेस्ट मनी देना इस बात के लिए। रबलाबाशुद्रबो शुद्रबो, थैंक यू जीसस, यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, जब हमारी लाइफ को परमेश्वर सेव करता है तो कोई भी टच नहीं करता। खुदा का आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है, जैसे भी वो करता है। ओके, अनीता के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदा के सामर्थ्य इस पर ठहरे। परमपिता परमेश्वर रबलाबा शुद्रबो रिखा बाबा थानी शुद्धो लोबो रिखा रबा बाबा 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 बाबा, होली स्पिरिट से भर जा यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से भर जा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जा, दलेरी की आत्मा से भर जा, सारी वीकनेस कमजोरी तुझको छोड़े, तेरे बच्चों को छोड़े, तेरे हस्बैंड को छोड़े, तेरी फैमिली को छोड़े। और मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा जलाल यीशु के नाम से, खुदा की सामर्थ तुझ पर ठहर जाए, खुदा का वचन तेरे अंदर समा जाए। और अबलाबा शुद्रबो 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 शुद्रबो, अभिषेक से भर, मसा से भर, गैर भाषा से भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, खुदा के जलाल से जेती बेटी भर जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जल्दी से कि मनीषा के लिए, उसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करें। रबलाबा शुद्रबो शुद्रबो, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर मनीषा की, उसकी फैमिली को ब्लेस कर, शू और चंगा कर, आजाद कर, दुष्ट का कोई भी बार उन पर ना चल नहीं पाए, सब इवल स्पिरिट जाए, झगड़ा जाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाए। रबलाबा शुद्रबो, उनकी हर समस्या का हल तेरा वचन निकाले परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के घर उनके घर से छाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हालेलुया हालेलुया। सचमुच परमेश्वर बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी फैमिली को, आपको सेफ रखता है जब तक हम खुदा के वचन से नाम भर जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें रोज चलाने वाला परमेश्वर है, रोज हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। ओके, ओके, सरू रॉय आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके कि आपकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर सुरुआई के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसी समय इनको छुए, इनकी हेल्थ को चंगा करें, सारी वीकनेस कमजोरी बाहर आए, इबल स्पिरिट की ताकत इनको छोड़े, बीमारी की ताकत छोड़े, कमजोरी की ताकत छोड़े,
फ्री हो जाए यीशु के नाम से, टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम से मांगते हैं। और विश्वास होना चाहिए कि जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं वैसे ही आपके घर में गुड न्यूज़ आ रही है, आपके जीवन में गुड न्यूज़ आ रही है। क्योंकि इस संडे हम बहुत सी टेस्टिमनी लेने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में मैं आते हुए देख रहा हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। ओके, वरुण गुप्ता के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, उनके हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे और ड्रिंक करते हैं। देखिए, ये एक स्पिरिट होता है जो हमें ऐसी बुरी बातें करने के लिए मजबूर करता है। इवल स्पिरिट की ताकत होती है जो नशे कराने में हमारी बिल्कुल हमें खींचती है। मैं चाहता हूँ वरुण गुप्ता, आपके हस्बैंड खुदा की सामर्थ से भरे, खुदा उनको सारी इस ईबल स्पिरिट से, नशे की गंदी ईबल स्पिरिट से बाहर निकाले। जीवित परमेश्वर इसी समय छुए, टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सब गंदी बदरूहें ड्रिंक की, सब नशे की छोड़े, इस समय छोड़े। ये घर सेफ हो, इनके घर में गुड न्यूज आए, जल्दी से गुड न्यूज आए जो वेट कर रहे हैं। परमेश्वर अभी चमत्कार के द्वारा इनको ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। जो लोग प्रार्थना करवा रहे हैं, ओके, मेरी बेटी के लिए आप अपने अपनी बेटी का नाम जरूर मेंशन करें बीच में। सुरुगाप, आप अपनी बेटी का नाम जरूर मेंशन करें। गुरजंट के लिए प्रार्थना करेंगे, गुरजंट के लिए। थैंक यू जीसस। गुरजंट, अब जहां कहीं भी हो, खुदा का जलाल तुझ पर ठहर जाए, तेरे घर पर ठहर जाए, तेरी बीबी बे तेरी फैमिली पर ठहर जाए, सारे शैतानी जाल टूटे, आजाद हो जाए, सारे आंसू पोछे जाएं, जो शैतान बार बार तेरे पैसे को खा रहा है, चुरा रहा है, यीशु के नाम से मैं उसे बांध देता हूं। खुदा की सामर्थ का बादल तुझ पर ठहरे, तेरी फैमिली पर ठहरे और ब्लस हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जर्नैल और रजिंदर के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, आप नाम लिखते हो मगर परमेश्वर का आत्मा आपको जानता है, ताकि खुदा का आत्मा आपको चलाए। जब भी आपकी टेस्टिमनी होती है उसको शेयर करें, क्योंकि खुदा आपको बचाने वाला परमेश्वर। रजिंदर और जर्नैल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जहाँ कहीं भी है जे, इनको छुए खुदा, तेरे वचन के द्वारा चले, भरोसा तुझ पर रखे। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उनकी लाइफ में बड़ा चमत्कार होता है। प्रभु, इनके घर में यीशु के नाम से बड़े चमत्कार होने पाएं, इबल स्पिरिट के घर टूटें, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाएं, लव करें परमेश्वर एक दूसरे से, प्यार करें, प्यार मोहब्बत से रहें, कलेश के आत्मा जाए, विघ्न के आत्मा जाए, बंधन टूटें, तेरी सामर्थ का बादल इन पर ठहर जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्रेस नेहा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए। थैंक यू जीसस। रबाला बाबा 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 बा, अरे बे बे बे, शुद्रबो शुद्रबो शुद्रबो, अपनी बेटी को छुए परमेश्वर। यू आर हीलर परमेश्वर, यू आर हीलर परमेश्वर, आप आजाद करने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। इसी समय चंगा करें अपनी बेटी को, सारी कमजोरी बीमारी जाए, सारी थकावट जाए, कोई भी दुष्ट आत्मा कभी भी ना छूने पाए तेरी बेटी को। सेफ, अपने एंजल्स को भेज और ब्लेस कर यीशु के नाम से, आमेन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लेखराज के लिए प्रार्थना करते हैं। लेखराज के लिए और कमलजीत के लिए, जो उन्होंने जर्मन जाना है, हम प्रार्थना करेंगे। रबलबाश शुद्रबो शुद्रबो, तूने कहा मुझसे मांग और मैं दूंगा, मेरा दरवाजा खड़का मैं तेरे लिए खोल दूंगा, मेरा नाम लेके ढूंढ और तुझे मिल जाएगा। परमेश्वर लेखराज को बदल, उसकी लाइफ को बदल, उसके स्वभाव को बदल,
और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सिस्टर कमलजीत के लिए, उसके बच्चों के लिए, प्रभु इस बार जे शर्मिंदे ना हो, शैतान शर्मिंदा हो, दुष्ट आत्मा शर्मिंदी होए, परमेश्वर तेरे लोग जयवंत हो जाए, विजय में आ जाए, जीत में आ जाए, कमजोरियां जाए यीशु के नाम से, इनकी फैमिली को छोड़कर, सब नशे की गंदे स्पिरिट जाए इनको छोड़कर, और परमेश्वर आजादी का स्पिरिट आए, शांति का स्पिरिट आए, तरक्की का स्पिरिट आए, और अब अलबा शुद्र वो सारे श्राप टूटे और एक मन से जे रहकर तेरे राज्य को बढ़ा सके परमेश्वर, तेरे राज्य को बढ़ा सके परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। ओके, प्रार्थना कर दें सुरजीत कौल के लिए। ओके, त्याग के लिए और महेंद्र के लिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, प्रार्थना कर दें प्रभु महिंद्रा के लिए और अबलाबा शुद्र बो, इन दोनों को परमेश्वर, इन दोनों नामों को तेरे मैं लहू में छुपाता हूँ, इसी समय इनको छुए रबलाबा, इनका स्वभाव बदले परमेश्वर, गुस्से वाला स्वभाव जाए, तेरी सामर्थ में ये जान सके कि तू गॉड है, तू जिंदा परमेश्वर है, मरो की भक्ति बंद हो जाए, जिंदा परमेश्वर को माने, आशीष पाए, झगड़ा खत्म हो जाए, शैतानी चीजें बंद हो जाए, कमजोर करने वाली चीजें चले जाए, तेरी सामर्थ का बादल इनको घेर कर रखे, हालेलुया, सारी बैड न्यूज बंद हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। शालू के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी समय परमेश्वर शालू को छुएं, उसकी बॉडी को छुएं, वीकनेस जाए यीशु के नाम से, गुप्त रोग ठीक हो जाए यीशु के नाम से, उनकी लाइफ में तेरा सामर्थ काम करे परमेश्वर, उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड पर तेरी सामर्थ को मैं खोलता हूँ यीशु के नाम से, रबलबा शुद्र बो, सारे बिगड़े हुए काम बने, शैतानी चीजें बंद हो, तेरी सामर्थ का बादल इनको घेर लें परमेश्वर, आने वाला डे इनके लिए ब्लेसिंग का डे हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। मेरे पास काफ़ी प्रार्थना पॉइंट आ रहे हैं, वन बाई वन करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मगर अपनी टेस्ट मनी जरूर सेंड करना है शिफा चर्च में, ताकि हम मिल के परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकें। लवप्रीत के लिए प्रार्थना करेंगे। लवप्रीत, तेरी पर्सनल प्रॉब्लम परमेश्वर जानता है, इसीलिए हम प्रार्थना करेंगे लवप्रीत के लिए। खुदा, तू ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, लवप्रीत को छुएं, छुएं, टच नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, सारी वीकनेस कमजोरी गुप्त रोग जाए यीशु के नाम से, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, अपने बच्चों को ब्लेस कर यीशु के नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। ओ रबा शुद्र बोरी खला बाबा, और धन्यवाद करते हैं, और जितने भी ओके, प्रीत के लिए प्रार्थना करें, मैं चाहता हूं प्रीत है इसका नाम, प्रीति के लिए प्रार्थना करेंगे बेबी ब्लेसिंग के लिए, और परमेश्वर बच्चों को देने की सामर्थ रखता है, जिनके पास बच्चे नहीं है परमेश्वर को देकर ब्लेस करता है, और आइए हम प्रीति के लिए प्रार्थना करेंगे। रब्बा बाबा शुद्र बो टच, इनका गर्भ खुले परमेश्वर, आजाद हो जाए, सारे बंधन टूटे, और ये हस्बैंड वाइफ ब्लेस हो जाए, और अब के बार परमेश्वर ये गुड न्यूज से ब्लेस हो जाए परमेश्वर, तेरे भवन में ये बच्चे के साथ एक बड़ी गवाही से परमेश्वर आए, शैतानी चीजें बुरी नजर आए, कीते कराए बंद हो यीशु के नाम, श्राप जाए यीशु के नाम, बॉडियां तो वीकनेस आ जाए यीशु के नाम से, तेरी सामर्थ इन्हों घेरी रखे यीशु के नाम के, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। प्रदीप के लिए प्रार्थना करें, उनकी फैमिली के लिए, परमेश्वर पिता मैं प्रदीप की फैमिली के लिए, प्रदीप के लिए सलामती मांगदा परमेश्वर, आज तक संभाले, आगे भी संभालो, वीकनेस आ कमजोरियां जाए परमेश्वर, रबलाबा शुद्रबो, घर के इस तरह तेरी शांति तेरा प्यार बनया रहे, उच्चा कर इन्हों का गढ़ परमेश्वर, क्योंकि तू सू उच्चा करने वाला परमेश्वर आ, तेरे वचन ने लिखा अपने आपू डाउन करो तो मैं उच्चा करांगा, प्रभु तू इन्हों उच्चा कर, तू उच्चा कर परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा ब्लैस होंगे जाण, रब लबाश चंकी हैल्थ के नाल ब्लैस हो जाए, कारोबार के नाल ब्लैस हो जाए, फाइनैशली सारी समस्यावान जा रह,
यीशु नाम विच आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर आपसे एक बात करे, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े, और मैं चाहता हूँ आज सब लोग जो ऑनलाइन हैं ये वन बाई वन करके अपने जीवन में बरकत पाते जाएं। अमनदीप, अमनदीप के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और अमनदीप की मुझे एक फोटो चाहिए, जरूर आप भेजना। परमेश्वर पिता, ओके, खुदावंद खुदा, प्रार्थना करदा प्रभु थोड़ी बेटी नू ब्लेस करो, सारी वीकनेस कमजोरियां बॉडी नू छड़े, अगर कोई शैतानी चीज उन्हों लगी हुई है उदे तो अटैक हो रहा, अज आजाद हो जाए खुदावंद यीशु दे नाम विच, खुदा दी पावर उसनू टच करे, उदे द्वारा एक नवी गवाही पैदा होवे, तेरी स्तुति करदे हो अगे वधन। परमेश्वर टच एंड ही लॉट, अपनी खुदा दी सामर्थ नाल इन्हां दे बिगड़े हुए काम बन, परमेश्वर खुदा दी पावर दे नाल इन्हां नू ब्लेसिंग मिले यीशु दा नाम लैके, आमेन। यस, उन्हां दी लाइफ दे विचों परमेश्वर सारी डिस्टर्बिंग नू दूर करेगा, और प्रिया के लिए प्रार्थना करेंगे, LTZ प्रिया, और अपनी फैमिली के लिए मैं तेरे लिए प्रार्थना करदा, और मैनू पूरी फैमिली दी पिक्चर चाहिए है। मेरा नंबर जरूर एक सेंड किया जाए, कोई भी एक जन मेरा नंबर सेंड करे व्हाट्सएप वाला, ताकि जिन्होंने मैं फोटो कह रहा भेजने वो जरूर फोटो भेजो, ताकि असी मिल के उस फोटो पर दुआ कर सकीए। प्रिया तेरी फैमिली की फुल फोटो चाहिए आ, रब लबा शुद्रबो। परमेश्वर पिता मैं प्रिया ले प्रार्थना करता, उसकी फैमिली ले प्रार्थना करता, खुदा दी सामर्थ उन्होंने टच करे, ईवल स्पिरिट दे बंधन, शैतानी बंधन डिस्टर्ब करने वाले झगड़ा कलेश खत्म हो जाए, खुदा तेरे लोग ब्लैसिंग दे विच जान, तरक्की विच जान, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाने यीशु दे नाम विच, खुदा दी पावर इन्हां दी फैमिली नू टच करे यीशु दे नाम दे विच, एक एक मैंबर नू ब्लैस करता जा यीशु दे नाम विच, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, यस लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद कहते रहें परमेश्वर का। ओके, राधिका, राधिका के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको ब्लेस करे, थैंक यू जीसस। राधिका के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से इन्हें छुएं, ये बॉडी को छुएं यीशु के नाम से, अपने ज्ञान से भरें, और परमेश्वर जहां कहीं भी जे फंसे हुए हैं इनको निकालें, इनकी फैमिली को निकालें, सारी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा इनको छोड़े, तेरे लोग ब्लेसिंग में जाएं यीशु के नाम से, टच नेम ऑफ जीसस का छुए और हील हो जाएं, बरकत आनी शुरू हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र। सारे प्रार्थना में रहें, सारे दुआ में रहें, क्योंकि खुदा का वचन जो है आज हम सीखें, और सीखकर आज प्रार्थना में आए हैं, और खुदावंद खुदा उनके लिए और रास्ते खोलता जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम कॉमन प्रार्थना करने जा रहे हैं, और जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं हुई मैं बाद में आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे, मेरा नंबर भी स्क्रीन पर है, और जितने लोग ऑनलाइन हैं जिन जिन को मैंने फ़ोटो मंगाया है वो ज़रूर जल्दी से सेंड करें, और ताकि खुदा उनको आगे बढ़ाता जाए, खुदा की सामर्थ उनको छूती जाए, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, तुझे मैं कभी शर्मिंदा नहीं होने दूँगा, परमेश्वर का ये वादा है, वचन है परमेश्वर का, और वचन कभी भी हमारे ऊपर ऐसे नहीं होता कि वो नहीं काम करता, परमेश्वर का वचन हर समय काम करता है। थैंक यू जीसस। मुस्कान के लिए उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, प्रार्थना करेंगे,
यीशु के नाम से रबा बबा 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 शुद्ध रुबोरी खाला बबा बबा इसी समय छुए परमेश्वर रबा लबा शुद्ध रुबो सारी हेल्थ प्रॉब्लम जाए। अगर ये शैतान की ओर से है अभी इसी समय मैं इसे डांटता हूँ बांटता हूँ और आजाद करता हूँ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते आमीन। अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। थैंक यू जीसस। ओके और मैं जिन जिन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो सब ब्लेस हो रहे हैं, अपनी टेस्ट मनी आगे समय में भेजें, और जिनके लिए मैंने प्रार्थना नहीं की उनके लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करूँगा। आप फोटो जरूर भेजना अपनी और आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम से परमेश्वर मैं तेरा दास इन जो लोग लाइव हैं जो बाद में भी लाइव होने जा रहे हैं सबको मैं याद करता हूँ, जो इंडिया में इंडिया के बाहर है देश विदेश में है किसी भी कंट्री में है खुदा उनके बच्चों को उनके अपनी लाइफ को छुएं परमेश्वर, उनकी बिजनेस को छुएं, उनके कारोबार को छुएं, उनके बॉडी को छुएं, जो बीमार है चंगे हो जाएं, जिनको दुष्ट आत्मा के काम सता रहे हैं दुष्ट आत्मा उनको छोड़ें, अच्छी हेल्थ से ब्लेस कर यीशु के नाम से, शैतानी श्राप टूटे शैतानी बंधन टूटे आजाद हो जाएं यीशु के नाम से, जिनके घर में क्लेश है क्लेश खत्म होए यीशु के नाम से, सारी प्रॉब्लम्स क्रिटिकली प्रॉब्लम में यीशु के नाम से आज हटें परमेश्वर, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया वो हील हो जाए यीशु के नाम से, जिनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही उनकी रिपोर्ट बदल जाए परमेश्वर, और अबा बाबा सब कैंसर एड्स बाहर आए यीशु के नाम से, रसौलियाँ गिल्टियाँ और पत्थरियाँ स्टोन यीशु के नाम से बाहर आए, सारा पेन बाहर आए, सारा जकड़ापन यीशु के नाम से खुल जाए, तेरी सामर्थ छुए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु जिन्हां दे रिश्ते टुट रहे और जुड़ जाण यीशु के नाम विच, डिवोर्स कैंसल हो जाण, केस कैंसल हो जाण, तेरे बच्चे सेफ हो जाण, घर बन, बच्चे होण जिन्हां भैणां दे बच्चे नहीं हो रहे प्रॉब्लम आ रही, यीशु के नाम दे विच उन्हां दे गर्भ नूं ब्लैस कर, यीशु के नाम विच जिन्हां नूं अलर्जी अलर्जी तो छुटकारा पाण, हार्ट प्रॉब्लम जिन्हां नूं हार्ट प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम विच, दिल दे रोगी चंगे हो जाण, दिमाग दे रोगी चंगे हो जाण, जिन्हां नूं बोल नहीं पाते वो क्लेयर बोलन तत्ला के जिहड़े बोलते उन्हां दी जबी जीव जिहड़ी आ ब्लैस हो जाए, उन्हां दी जबान क्लेयर हो जाए यीशु के नाम विच, तत्लापन जाए यीशु के नाम विच, जो चल नहीं पा रहे वो चलन यीशु के नाम, जो बोल नहीं पाते वो बोलन यीशु के नाम, जो देख नहीं पाते वो देखन, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, नाड़ा की प्रॉब्लम जाए, खुदा की सामर्थ तुहाडे उत्ते ठहर जाए, खुदा का जलाल तुहाडे उत्ते ठहर जाए, जिन्हां दे काम बन नहीं रहे वो बन, विदेश नूं जान, पासपोर्ट ब्लस होण अज दी नाइट अज दे डे, पासपोर्ट ब्लस होण, नवीं नौकरियां ब्लस होण रबा बाबा शुद्ध रबो, स्ट्रगल खत्म हो जाए यीशु के नाम विच, बीमार लोग खड़े हो जाण यीशु नाम विच, बीमारी दे बिस्तरे पलट जाण रबा बाबा, शैतानी बंधन शराब टुट जाण यीशु के नाम विच, अकाउंट ब्लस हो जाण, फाइनैंशली प्रॉब्लम जाए रबा बाबा, मेंटली प्रॉब्लम जाए, जमीनी प्रॉब्लम जाए, अज ही तेरे लोग ब्लस होंदे जान यीशु दा नाम लेके मंगदे हां आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं फिर एक बारी इनविटेशन दिना संडे दी मीटिंग दे लई, और जलाल दे नाल भरिए परमेश्वर दे, खुदा दी सामर्थ नाल भरिए, खुदा थोनू अगे वधाएगा, थोड़ी फैमिली नू अगे वधाएगा, और जिहड़े लोग लगातार टच विच रहिंदे जुड़े रहिंदे कई कई सालां तक, जिहड़े नू तकरीबन जिहड़े लोग 3 ईयर तो लगातार जुड़े हो आ उन्हां दे घरां दे विच मैं गुड न्यूज़ नू आंदे होए देख रहा हां। शिफा चर्च ना जिहड़े 3 ईयर तो मतलब 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर 20 साल हो सकदे आ, मगर आउण वाले जिहड़े 3 सालां तो जिहड़े लगातार जुड़े आ उन्हां दे घरां दे विच मैं गुड न्यूज़ आंदे होए देख रहा यीशु दे नाम दे विच आमेन। तुसीं जल्दी परमेश्वर दी हजूरी दे विच एक टेस्टमनी नूं भेजोगे जो मैं अज भविष्यवाणी कीती आ ते परमेश्वर नूं पूरा भी करेगा, हालेलुया। ओके संडे नूं जरूर पहुँचो, लाइव जिहड़े देखना चाहुंदे हो लाइव देखण, और अपने जरूर फैमिली नूं अपनी सपोर्ट दे विच खड़ी करके खुदा दे भवन दे लई प्रार्थना करो और परमेश्वर तुहानूं होर ब्लैस करेगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके और खुदा थोनू बरकत दे, सबनों जय मसीह दी, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर थोनू अच्छी नींद दवे, अच्छे सुपने ना भरे, अच्छी
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ।